नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पर हम इस वीडियो के दौरान बात करने वाले हैं गूगल कैमरा के बारे में। इस जीकैम के साथ आप जो है पिक्सल 6 जैसा फोटो को क्लिक कर सकते हो किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस के साथ। यहाँ पर इस वीडियो के दौरान जो है यहाँ पर एक्सएमएल फाइल को प्लस जो है लिप फाइल को किस तरह से इम्पोर्ट करते हैं गूगल कैमरा LMC 8.4 रिलीज 14 के साथ, उसके बारे में बात करने वाले हैं। एंड यहाँ पर इस वीडियो के दौरान आपके साथ जो है यहाँ पर फोटो सैंपल को भी शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकॉन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले इस जीकैम के साथ इस एक्सएमएल फाइल के साथ जो कुछ इस तरह से यूजर इंटरफेस देने को मिलेगा, इसे भी ऑप्शंस को ऐड किया गया है। पर फोकस ट्रैकिंग का ऑप्शन है, फ्रेम को इंक्रीज करने का ऑप्शन है, ऑटो एड बैलेंस को ऐड किया गया है, प्रो मोड का ऑप्शन है, यहाँ पर फोकस स्लाइड का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, मैनुअल फोकस का जो ऑप्शन काम कर जाएगा, पर लाइका फोटो का ऑप्शन है, एलडीआर मोड का ऑप्शन है, पर लो डायनेमिक रेंज मोड को ऐड किया गया है, पर प्रो मोड का ऑप्शन है, यहाँ पर मैक्रो फोकस का ऑप्शन है, पिक्सल 6 मोड को ऐड किया गया है, पर जो है यहाँ पर अपस्केलिंग फोटो का ऑप्शन है, अल्ट्रा वाइड लेंस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। अलग अलग जो ऑप्शंस है अवेलेबल है इस जीकैम के साथ, इस एक्सएमएल फाइल के साथ। यहाँ पर बात कर लेते किस तरह से इस गूगल कैमरा के साथ जो है एक्सएमएल फाइल एंड जो है लीफ फाइल को यहाँ पर जो है इंपोर्ट करना होगा। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो जीकैम है, ये जो एक्सएमएल फाइल है प्लस जो लीफ फाइल है, तीनों का डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके तीनों फाइल को डाउनलोड करना होगा। सबसे पहले इस जीकैम को डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद जो है ओपन करना होगा। उसको सिंपली यहाँ पर जो सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन में जाने के बाद जो है यहाँ पर सिंपली सेव सेटिंग्स का जो ऑप्शन है यहाँ पर जाके यस में टैप करना होगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर जो फाइल मैनेजर को ओपन करना होगा। फाइल मैनेजर को ओपन करने के बाद जिस भी फोल्डर में अपने जो है एक्सएमएल फाइल को एंड जो है लिप फाइल को डाउनलोड किया है, उस फोल्डर में जाके सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है एक्सएमएल फाइल को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो थ्री डॉट में टैप करने के बाद, कॉपी में टैप करने के बाद इंटरनल स्टोरेज में जाना होगा। इंटरनल स्टोरेज में जाने के बाद LMC 8.4 करके एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। इस फोल्डर में जाके सिंपली यहाँ पर जो है पेस्ट कर देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो लिप फाइल है उसे सिलेक्ट करना होगा, थ्री डॉट में टैप करके यहाँ पर कॉपी करके इंटरनल स्टोरेज में जाके यहाँ पर LMC 8.4 करके एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। इस फोल्डर में जाके जो लिप्स करके जो फोल्डर रहेगा, इस फोल्डर में जाके सिंपली यहाँ पर जो पेस्ट कर देना होगा। तो यहाँ पर जो लिप करके जो फोल्डर रहेगा उसमें जाके सिंपली यहाँ पर जो पेस्ट कर देना होगा। तो यहाँ पर ये जो एक्सएमएल फाइल है प्लस जो लिप फाइल है, आपको सिंपली यहाँ पर जो LMC 8.4 करके जो फोल्डर रहेगा यहाँ पर पेस्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर जो गूगल कैमरा को रीस्टार्ट करना होगा। जीकैम को रीस्टार्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर जो है 4:3 सिलेक्ट करना होगा। 4:3 सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डबल टैप करना होगा। डबल टैप करने के बाद कुछ इस तरह से UI देने को मिलेगा। उसके बाद आपको सिंपली जो एक्सएमएल फाइल है, एक्सएमएल फाइल को सिलेक्ट करने के बाद इंपोर्ट में टैप करना होगा। एंड कुछ इस तरह से आप जो है आपके डिवाइस के ऊपर जो है एक्सएमएल फाइल प्लस जो लिप फाइल उसे आप इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आप एक्सएमएल फाइल को इंपोर्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो लिप फाइल जो इंपोर्ट हो जाएगा। एंड ये जो जीकैम का जो बिल्ड है तो ऑलमोस्ट वे एंड्रॉइड डिवाइस का काम कर जाएगा। यहाँ पर हमने रेडमी डिवाइस के ऊपर, रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के ऊपर जो इस जीकैम को इंस्टॉल किया है, MIUI 14 के साथ, एंड्रॉइड 13 के साथ ये जो जीकैम का जो बिल्ड है काम कर जाएगा। यहाँ पर एंड्रॉइड 10 से एंड्रॉइड 13 सभी एंड्रॉइड वर्जन के साथ ये जो जीकैम का जो बिल्ड काम करता है, रेडमी, शाओमी, पोको, वन प्लस, सैमसंग, IQ, वीवो, ऑलमोस्ट सभी एंड्रॉइड डिवाइस के साथ ये जो जीकैम का जो बिल्ड काम कर जाएगा। आप जरूर से इस गूगल कैमरा को ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस जीकैम के साथ जो है इस एक्सएमएल फाइल के साथ जो क्या क्या फीचर्स को ऐड किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर जो है पिक्सल 6 जैसा फोटो को अगर क्लिक करना चाहते हो, ये जो पिक्सल मोड है ऐड किया गया है। अगर पिक्सल मोड के साथ फोटो को क्लिक करोगे आपको काफी हद तक जो पिक्सल 6 जैसा जो नेचुरल फोटोग्राफी आप कर सकते हो। प्लस यहाँ पर जो है प्रो मोड का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। आप जो है प्रो मोड के साथ जो कॉन्ट्रास्टी फोटो को क्लिक कर सकते हो। प्लस यहाँ पर जो GPG क्वालिटी है दोस्तों यहाँ पर 97 तक आपको देने को मिल जाएगा। प्लस यहाँ पर जो है अगर आपको यहाँ पर जो है 64 मेगापिक्सल के साथ जो है अगर आपको बढ़िया फोटो देने को नहीं मिल रहा है तो आप सिंपली यहाँ पर जो प्रो मोड यूज करके जो कॉन्ट्रास्टी फोटो को क्लिक कर सकते हो। प्लस वो नॉइस मॉडल का ऑप्शन है। यहाँ पर ये जो जीकैम का जो बिल्ड है काफी फास्ट है, बहुत ही फास्ट। आप एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन को स्विच कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। प्लस ये पर जो है एंड्रॉइड 12, एंड्रॉइड 13 के साथ जो मोनेंड UI का जो ऑप्शन से, जो मेट्रियल यू का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है। एंड पर मैक्रो लेंस का ऑप्शन है, यहाँ पर अल्ट्रा वाइड लेंस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, लाइका फोटो मोड का ऑप्शन है, इस भी ऑप्शन अवेलेबल है। प्लस यहाँ पर जो है
EIS एंड OIS का जो ऑप्शन काम कर जाएगा, वीडियो स्टेबलेशन का जो ऑप्शन काम कर, अगर आपके डिवाइस के ऊपर EIS OIS का सपोर्ट है तो इस GCAM के साथ EIS एंड OIS का जो ऑप्शन काम कर जाएगा, इसमें ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है ना। बट बात कर लेते हैं बच्चे फोटो क्वालिटी के बारे में, जल्दी से कुछ फोटो को क्लिक करते हैं इस GCAM के साथ, देखते हैं किस तरह से बच्चे फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है प्रो मोड को यहाँ पर जो बंद करते हैं, हमने यहाँ पर जो है सिंपली जो पिक्सल मोड है पिक्सल मोड को सेलेक्ट किया है, बाकी यहाँ पर जो है ऑटो वाइड बैलेंस का जो ऑप्शन है हमने यहाँ पर जो सेलेक्ट नहीं किया है, प्लस HDR एनहांस मोड का जो ऑप्शन है इनेबल है। सबसे पहले हमने जो है यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन है उसके साथ फोटो क्लिक करने वाले है, तो ये जो फोटो है हमने दोस्तों यहाँ पर जो है 15 फ्रेम के साथ जो क्लिक किया है, पर ऑटो एंडसेट मोड जो है बंद है। एंड और एक फोटो क्लिक करते और जो HDR एनहांस मोड के साथ फोटो क्लिक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना। यहाँ पर जो लाइका फोटो मोड का जो ऑप्शन है इसे इनेबल करते हैं, हमने यहाँ पर जो लाइका फोटो मोड का जो ऑप्शन है इसके साथ फोटो क्लिक करने वाले, देखते हैं किस तरह से बढ़ जाए फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा। एंड डेफिनेटली यहाँ पर जो सोशल शेयर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, डायरेक्टली GCAM से फोटो एंड वीडियो को शेयर कर सकते हो। हमने यहाँ पर जो लाइका फोटो मोड को यहाँ पर जो बंद करते लाइका फोटो मोड के साथ साथ हम जो यहाँ पर जो प्रो मोड है प्रो मोड को इनेबल करते हैं, हमने जो यहाँ पर प्रो मोड को इनेबल किया है, प्रो मोड के साथ फोटो क्लिक करने वाले, देखते किस तरह से बढ़ जाए प्रो मोड के साथ फोटो क्वालिटी देने को मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर जो प्रो मोड को एनेबल किया है ना, यहाँ पर प्रो मोड के साथ साथ हम जो यहाँ पर ऑटो वाइड बैलेंस का जो ऑप्शन है इसे भी हमने एनेबल करते हैं। ऑटो वाइड बैलेंस के साथ जो है एक्यूरेट कलर देने को मिलेगा, नेचुरल कलर देने को मिल जाएगा। हमने यहाँ पर जो है ऑटो वाइड बैलेंस प्लस यहाँ पर जो प्रो मोड का जो ऑप्शन है इसे हमने यहाँ पर एनेबल किया है, देखते किस तरह से जो फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा इस GCAM के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर जो मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है, तो हम सिंपली यहाँ पर जो है पर जो अल्ट्रोइड लेंस है अल्ट्रोइड लेंस को ट्राई करके देखते किस तरह से पर जो अल्ट्रोइड लेंस के साथ फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा। यहाँ पर ऑटो वाइड बैलेंस भी इनेबल है, अल्ट्रोइड लेंस जो है कुछ इस तरह से काम करते देख सकते हो, काफी बढ़िया अल्ट्रोइड लेंस के साथ फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा। एंड जल्दी से अल्ट्रोइड लेंस के साथ कुछ फोटो क्लिक करके देखते एंड इस तरह से पर जो अल्ट्रोइड लेंस भी काम कर जाएगा। ये पर जो प्रोमोट है प्रोमोट के बाद जो डिसेबल करते देखते किस तरह से पर जो प्रोमोट के साथ जो है फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो हमने प्रो मोड को डिसेबल किया है ना, यहाँ पर अल्ट्रोइड मोड के साथ जो फोटो क्लिक करने वाले हैं। एंड यहाँ पर जो अपस्केलिंग फोटो का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, डायरेक्टली जो है यहाँ पर इस गूगल कैमरा के साथ 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल के साथ भी फोटो क्लिक कर सकते हो, पर अपस्केलिंग फोटो का ऑप्शन है। यहाँ पर मैक्रो मोड का जो ऑप्शन है इसे ऐड किया गया है, हमने यहाँ पर सिंपली यहाँ पर जो है मैक्रो लेंस का जो ऑप्शन है इसे सिलेक्ट किया है एंड इसके साथ जो फोटो क्लिक करने वाले हैं, देखते किस तरह से बच्चे फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा। प्लस पर जो है यहाँ पर जो अपस्केलिंग फोटो का जो ऑप्शन इसे भी ऐड किया गया है, तो हम सिंपली पर जो अपस्केलिंग फोटो ऑप्शन इसे भी ट्राई करके देखते किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर जो है आप सिंपली रेडमी नोट इंप्रो डिवाइस के ऊपर जो है अपस्केलिंग फोटो के साथ भी फोटो को क्लिक कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर जो ढेर सारी फोटो को क्लिक किया है इस GCAM के साथ, देखते किस तरह से बच्चे इस गूगल कैमरा के साथ फोटो क्वालिटी देने को मिलता है। सबसे पहले देख पाओगे कुछ इस तरह से पर जो फोटो क्वालिटी देने को मिल गया है। हमने यहाँ पर जो सिंपली जो ऑटो वाइड बैलेंस उसे इनेबल नहीं किया था, नॉर्मली हमने HDR इनहांस मोड के साथ फोटो क्लिक किया है, देख पाओगे काफी हद तक जो कॉन्ट्रास्ट फोटो देने को मिल गया है, प्लस जो डायनेमिक रेंज वो भी काफी बढ़िया है, काफी हद तक जो ब्राइटर फोटो देने को मिलता है। एंड यहाँ पर जो HDR इनहांस मोड है काफी बढ़िया तरीके से काम कर चुके, डीलिंग फोटो देने को मिलता है एंड काफी हद तक जो है यहाँ पर नेचुरल कलर देने को मिलेगा। इस फोटो के दौरान हमने जो लाइका फोटो मोड का जो ऑप्शन है उसे एनेबल किया है, लाइका फोटो मोड को एनेबल करने के बाद इस तरह से यहाँ पर जो है सोशल मीडिया रेडी फोटो क्वालिटी देने को मिल जाएगा। एंड फोटो के साथ जो काफी कम नॉइज देने को मिल गया है, लेस नॉइज देने को मिलता है, प्लस जो कॉन्ट्रास्ट है वो भी काफी बढ़िया है, यहाँ पर जो डायनेमिक रेंज है वो भी काफी बढ़िया देने को मिलता है, यहाँ पर जो है बेटर कलर विद बेटर ग्रेडिंग देने को मिल जाएगा। एंड फोटो के साथ जो कम नॉइज देने को मिलता है, प्लस यहाँ पर जो है अल्ट्रोइड लेंस की अगर बात करें कुछ इस तरह से आप जो अल्ट्रोइड लेंस के साथ भी फोटो को क्लिक कर सकते हो, फोटो के ऊपर जो ड्रिलिंग है काफी बढ़िया है। एंड मैक्रो लेंस की अगर बात करें कुछ इस तरह से आप जो है मैक्रो लेंस के साथ भी फोटो को क्लिक कर सकते हो, यहाँ पर जो है लो लाइट के लिए आप सिंपली यहाँ पर एस्ट्रो मोड यूज कर सकते हो, बेटर कलर विथ बेटर ड्रिलिंग देने को मिल जाएगा। पर OIS EIS का जो ऑप्शन काम कर जाएगा, पोर्ट्रेट मोड भी काफी बढ़िया तरीके से काम करते हैं, नेचुरल कलर देने को मिल जाएगा। अब जरूर से इस GCAM को ट्राई करके देखो। एंड पर जो है HDR एनहांस मोड के साथ फोटो क्लिक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, फोटो सेव होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ये पर जो मल्टीपल फ्रेम के साथ जो फोटो क्लिक करते हैं, बाकी ये सभी ऑप्शंस को ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर जो है लाइट प्रिंटिंग मोड का ऑप्शन है, पर एस्ट्रो मोड के ऊपर जो ऑलवेज ऑन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर जो है रॉ फोटोज का जो ऑप्शन काम कर जाएगा, नाइट सेट मोड के साथ भी एस्ट्रो फोटोग्राफी का ऑप्शन है,
फोकस के ऊपर ऑटो नियार फार इन्फिनिटी इस तरह से, पर जो है मैनुअल फोकस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के साथ जो फेस रिटचिंग का ऑप्शन है, एचडीआर एनहांस मोड का ऑप्शन इसमें ऐड किया गया है। कैमरा के साथ एचडीआर एनहांस मोड, रॉ फोटोज का ऑप्शन है, टॉप शॉट का ऑप्शन है, नाइट साइड मोड का ऑप्शन है, टाइमर का ऑप्शन है। यहाँ पर स्लो मोशन एंड यहाँ पर टाइम लैप्स का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। अगर आपके डिवाइस के ऊपर स्लो मोशन का जो ऑप्शन अगर काम नहीं कर रहा है, आप सिंपली यहाँ पर जो है स्टॉक कैमरा को यूज कर सकते हो। बाकी यहाँ पर जो फुल एचडी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, एक्सटर्नल माइक का जो ऑप्शन काम कर जाएगा। यहाँ पर 4K 60fps का जो ऑप्शन ऐड किया गया है, डिफरेंटली आपके डिवाइस के ऊपर जो 4K 60fps का जो सपोर्ट होना चाहिए। यहाँ पर फोटो एस्पर मोड का जो ऑप्शन काम कर जाएगा। अगर आप गूगल कैमरा के साथ जो है 360 फोटो क्लिक करना चाहते हो, जो फोटो एस्पर मोड का जो ऑप्शन ऐड किया गया है। बाकी यहाँ पर जो पैनोरामा का जो ऑप्शन काम करता है, आप डेफिनेटली इस जीकैम को ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर। एंड गूगल कैमरा का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके अलग अलग जीकैम का जो वर्सन है उस भी आप ट्राई करके देखो। एनीवे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।